इन्फोर्समेंट दरोगा का ये एपिसोड नंबर 9 है। इसमें आपको आज टॉपिक्स दिए जा रहे हैं। इससे पहले आपको 8 एपिसोड यानी 8 टॉपिक्स आपको दिए जा चुके हैं। इस टॉपिक्स के लिए आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा और आपको इन टॉपिक्स को 2 दिनों के अंदर करने हैं। इसके बाद आपको इनके ऊपर प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा 3रे दिन। तो चलिए हम इन टॉपिक्स को देखते हैं और अपना जो है टारगेट पूरा करेंगे हम 2 दिन के अंदर। पहला जो टॉपिक है वो हमने लिया है जीके से। जीके में इस पर हम करेंगे 3 खेल। इससे पहले वाले एपिसोड में, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्रिकेट तक किया था। इस एपिसोड में इस बार आपको टॉपिक दिया जा रहा है हॉकी, फुटबॉल और वॉलीबॉल से। जब आप इस टॉपिक को देखेंगे तो आपको इसमें दिखाई देगा 2018 का हॉकी विश्व कप कहाँ हुआ, 2022 का हॉकी विश्व कप कहाँ प्रस्तावित है, मैदान की लंबाई कितनी है, हॉकी के मैदान की लंबाई है 91.44 मीटर, इसके गेंद का वजन कितना है, ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ था, फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड में हुआ है। जो 2022 का वर्ल्ड कप है वो कहाँ प्रस्तावित है, भारत का पहला फुटबॉल क्लब कहाँ है, मैदान की लंबाई कितनी होती है, फुटबॉल की मैदान की लंबाई। तो ऐसी चीज़ें एग्जाम में आपको दिखाई देंगी। जब आप प्रीलिम्स का पेपर उठाएंगे ESI का, तो आपको इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड और ऐसे पर्टिकुलर स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत होते हैं, इसलिए इनको टॉपिक्स को अच्छे से करना है। अगला हमने स्पीडी का जनरल साइंस का जीके का से लिया है। इस पर हम करेंगे अनुवंशिकी एवं पारिस्थितिकी। आप पेज नंबर देख लीजिएगा इसमें क्या है, लेकिन टॉपिक आपको यही करना है। जब इस टॉपिक को आप करेंगे तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रयोगशाला में सब सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण यानी DNA का सिंथेसिस किसने किया था, हर गोविंद खुराना ने यह किया था। क्रोमोजोम का नामकरण किसने किया, क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन DNA प्रोटीन होता है जो कि क्रोमोजोम के अंदर मिलता है। बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे प्रश्न रहता ही रहता है। तो आप इस टॉपिक्स को अच्छे से करें, समय लें, लेकिन इनको कंप्लीट करना आवश्यक है। जो अगला टॉपिक हमने लिया है वो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण। हम मॉडर्न हिस्ट्री लेकर चल रहे हैं। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने आपको राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण दिया था करने के लिए। जो राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण है ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई सा भी पेपर उठा लीजिए, BPSC उठा लीजिए, UPSC उठा लीजिए, कोई सा भी, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस चैप्टर में दिखाई देगा जो इसका काल है 1905 से 1919 तक का है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, कांग्रेस का विघटन कब हुआ था, और इसी वक्त जब बंगाल विभाजन हुआ था उस वक्त अमार सुनार बंगला नामक गीत जो है वो लिखा गया था जो कि बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, मॉडल मिंटो सुधार, जितने ही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। होम रूल लीग कब हुआ, तिलक ने केसरी नामक अखबार जो है किस लैंग्वेज में लिखा, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में दिखाई देती हैं। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से करना है क्योंकि इससे आप प्रश्न बिल्कुल बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए इस टॉपिक्स को आप मिस नहीं कर सकते। अगला जो हमने लिया है ज्योग्राफी का, आज हम करेंगे जलमंडल। जलमंडल जब हम करेंगे तो इसमें आपको दिखाई देता है प्रमुख महासागर, पैसिफिक, कितने महासागर प्रमुख हैं पूरे विश्व में आपको ये पता चलेगा। महासागरों की औसत गहराई कितनी है, 3800 मीटर है। खाड़ी क्या होता है यानी गल्फ से क्या समझते हैं, बे किसे कहते हैं, जब दो किनारा जल से घिरा होता है और एक तरफ टापुओं का समूह होता है तो दूसरी तरफ का मुहाना जो है समुद्र की तरफ खुला होता है, और ऐसी स्थिति को बे कहते हैं। बॉविट आइलैंड कहाँ है, लवंता कहाँ अधिक है, किस महासागर के अधिक है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाई देती हैं। काफ़ी फैक्चुअल है और काफ़ी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, तो इसको भी अच्छे से आप करेंगे। अगला जो हमने लिया है टॉपिक वो लिया है पॉलिटी का। भारत का आज हम देखेंगे महान्यायवादी। पिछले टॉपिक आपने जो किया है कंप्लीट, उसमें हमने पंचायती राज को कंप्लीट किया है। आज हम करेंगे भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जब आप इस टॉपिक को करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अनुच्छेद 76 के अंदर भारत का महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है। भारत का महान्यायवादी विधि अधिकारी होता है और अनुच्छेद 88 के अनुसार वह किसी भी संसद का न तो सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, पर उसको दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है। आपको इस चैप्टर में दिखाई देगा कि भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है। इसके साथ ही साथ आपको राज्य का महाधिवक्ता भी पढ़ना है जो कि आपको उसके नीचे ही मिल जाएगा लुसेंट में। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के अंदर आता है। राज्य का महाधिवक्ता जिसे राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कहते हैं, इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। इसकी क्या योग्यता होती है,
आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगे। उसके बाद जो हमने अगला टॉपिक लिया वो लिया इकोनॉमिक्स का, भारत के प्रमुख शेयर बाजार हम करेंगे आज। शुरुआत करेंगे हम सेबी से, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मतलब है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई? इसका मुख्यालय कहाँ है? सेबी संशोधन बिल 2002 के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए 25 करोड़ तक का जुर्माना सेबी द्वारा लगाया जा सकता है। ये सारी चीजें आपको इसमें दिखाई देंगी। ये करने के बाद आप प्रमुख शेयर बाजार पहुंचेंगे। प्रमुख शेयर बाजार में जैसे एनएससी, बीएससी, ये क्या है? बीएससी की स्थापना कब हुई, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? बी एड एंड बुल क्या है? आपको इसका जो है काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन क्राउन में दिया हुआ है। हम बार बार आपको कहते हैं दो किताब अगर रहे तो काफी बेहतर है। हालांकि कई लोग एक ही किताब रखना, एक ही किताब अफोर्ड कर सकते हैं, पर अगर दो हो तो काफी सोने पे सुहागा है। जैसे आपको क्राउन जो आप देखेंगे तो आपको इसमें दिखाई देगा स्वेट शेयर क्या है। जब स्वेट शेयर वो होता है जब कंपनी द्वारा अपने उच्च स्तरीय कर्मियों को बिना किसी शुल्क के शेयर उपलब्ध कराना, इसको स्वेट शेयर कहते हैं। ऐसे बहुत सारे कुछ प्रमुख टर्म हैं, आप इनको देखेंगे। उसके बाद जो हमने लिया है अगला, वो लिया है केमिस्ट्री का, धातुएं। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने धातुओं और अधातुओं को कंप्लीट किया था। अब जो हम करेंगे धातुएं, अधातुएं और उनके यौगिकों का उपयोग, यानी कंपाउंड्स का यूज क्या है। उसके बाद मिश्र धातु यानी एलॉय को करेंगे। जैसे जिंक सल्फाइड का उपयोग क्या है? श्वेत पिगमेंट यानी व्हाइट पिगमेंट में इसका यूज होता है। फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला क्या है, रासायनिक नाम क्या है? फिटकरी किस लिए उपयोग में आता है, कपड़ों की रंगाई में या जल को शुद्ध करने में? रेयॉन बनाने में किसका यूज होता है, अमोनिया का यूज होता है। जो आप मिश्र धातु देखेंगे तो आपको दिखाई देता है स्टेनलेस स्टील में जो परसेंटेज है, जो मिक्सचर है, वो किन किन मेटल्स का है, आपको ये दिखाई देगा। ब्रॉन्ज क्या है? ब्रास किसके मिलाने से बनता है? ब्रास कॉपर और टिन के मिलाने से बनता है, यानी पीतल। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इसको अच्छे से करना है। अगला जो टॉपिक हमने लिया है वो लिया है फिजिक्स का, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप जब करेंगे तो आपको दिखाई देगा कैपिलैरिटी क्या होता है, यानी केशिकत्व क्या होता है। केशिकत्व, इसके कारण लिक्विड का स्तर यानी द्रव का जो स्तर होता है या तो ऊपर चढ़ता है या नीचे गिरता है। जैसे आप उदाहरण लेंगे, उदाहरण के तौर पर लैंटर्न की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, पेड़ पौधों की शाखाओं तक जल का पहुंचना, ये सब केशिकत्व यानी कैपिलैरिटी के अनुसार, कैपिलैरिटी की वजह से ही संभव हो पाता है। पृष्ठ तनाव को आपको समझना है। पृष्ठ तनाव का ऐसा यूनिट क्या है, यानी ऐसा ही मात्रक क्या है? पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं? पृष्ठ तनाव जो होता है वह द्रव का वह गुण है जिसके कारण तरल अपने पृष्ठ क्षेत्रफल को कम करना चाहता है। जैसे कि आप देखेंगे जल की बूंदों का गोल होना, ये पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। तो ऐसी चीजें आपको इस चैप्टर में दिखाई देंगी, बेहद महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से करना है आपको। और जो इस टॉपिक्स का, जो इस एपिसोड का जो लास्ट टॉपिक हमने लिया है वो है करेंट टॉपिक का, हमेशा की तरह से। और आज हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। आप ये ध्यान रखिए, ये जो मैगजीन ले रहे हैं अभी हम, प्रतियोगिता दर्पण जनवरी का। पिछले टॉपिक में हमने, पिछले एपिसोड में हमने आपको दिया था राष्ट्रीय घटनाक्रम, आज हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, जनवरी महीने का प्रतियोगिता दर्पण का हम लेके चल रहे हैं। आपको ये पेज नंबर 20 से 26 में दिखाई देगा। आपको जो इसमें दिखाई देगा, जब इस चैप्टर को देखते हैं तो आपको इसमें दिखाई देगा आसियान का 35वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। आसियान का जो अगला सम्मेलन होने वाला है वो प्रस्तावित है, कहाँ प्रस्तावित है? अपेक का यानी APEC का शिखर सम्मेलन रद्द कहाँ पे हुआ और ये कहाँ होने वाला था? RCEP क्या है यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या है? ब्रिक्स जो है उसका सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? ब्रिक्स का सम्मेलन सेंट पीटर्सबर्ग रूस में जुलाई 2020 में ही प्रस्तावित है। तो आप इन टॉपिक्स को देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में। और हम आपको सजेशन देना चाहते हैं कि जब भी आप इन टॉपिक्स को करें, करंट का जो भी टॉपिक है, जैसे आप प्रतियोगिता दर्पण सही कर रहे हैं, हम इसी मैगजीन को लेकर रेफरेंस चले क्योंकि आसानी से मिल जाता है, तो आप एक नोट्स बनाते चलें, साथ में एक कॉपी बना लें इसके अलग से, और जो भी आप बनाते हैं उसका एक पॉइंट लिखते जाएं साथ ही के साथ। जितना पॉइंट लिखेंगे आपको रिविजन करने में उतना आसानी रहेगा, ऊपर से हम प्रैक्टिस सेट तो आपको देते ही देते हैं, तो ये बिल्कुल आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो इस तरह हमने आपको जो है शानदार 9 टॉपिक्स दिए, और आपको इनको, इन टॉपिक्स को 2 दिनों के अंदर करने हैं। आप बिल्कुल घबराइए मत, हम आपके साथ बने हुए हैं, आपके साथ बने रहेंगे। आप जितने टॉपिक्स हैं आप उनको कीजिए, हम आपके लिए एक अलग सा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना कैसे, क्योंकि हालांकि अभी तक हमने आपको 9 टॉपिक्स दे दिए, फिर भी यह बिल्कुल आवश्यक है आपको ये जरूर गाइड करना कि टॉपिक्स को पढ़ना कैसे है। आप प्रैक्टिस सेट बनाते रहिए,
हम जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी पकड़ उतनी अच्छी होगी, और सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ भी नहीं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।